हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कर्णी अकेडमी एजुटेक। कर्णी अकेडमी एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आज क्लास 11th में एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ सिंपल सी बातें डिस्कस करेंगे, कैसे वेन डायग्राम से आप कुछ फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे ए यूनियन बी था या ए इंटरसेक्शन बी था, उसमें कितनी चीजें आएंगी कितनी चीजें नहीं आएंगी, वो सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले निकालेंगे। और वो फॉर्मूले कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे वो चेक करते हैं। मान लिया ए कोई सेट है, उसके अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हुआ है। बी कोई सेट है, इसमें 4, 6, 8, 10 और 12 लिखा हुआ है, ठीक है जी। और मैं पूछ रहा हूं ए यूनियन बी कितना आएगा, मतलब ए यूनियन बी में कितनी संख्या आएगी, है ना, कितने नंबर आएंगे। तो एन ऑफ ए, ए में संख्या मेरे पास में कितनी है सर, ए में संख्या है 5। बी में संख्या कितनी मेरे पास में, बी में संख्या है मेरे पास में 5। तो सर ऐसा देखा जाए तो ए और बी को अगर मिक्स कर दूंगा संख्या 10 होनी चाहिए। पर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि क्या चीजें सेम आ रही है, वो भी तो दो दो बार रिपीट होगी और रिपीटेशन अपन अलाउ नहीं करते। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी बता, इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है वो बताया अपन ने, देखा मैंने पास सर 4, 6 और 8 दोनों में सेम है, तो 4, 6, 8 और सेम लगा दिया। मैंने कहा नंबर कितना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर आ रहे हैं, वो 3। मैंने कहा जो 3 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हटेंगे, सिंपल सी बात है, चीजें रिपीट नहीं होने वाली। तो मैंने पूछा फिर यार कि यार ये जो एन है ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितनी चीजें आने वाली है वो क्या आएगा, या फिर आप पहले ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी मेरे पास में कितना हुआ सर, ये 2, ये 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, यहाँ भी, 8 यहाँ भी, यहाँ भी, 10 एंड 12। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे 10 भी आएगा साथ में, तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो मतलब कुल मिला के देख पा रहे हैं ए यूनियन बी मेरे पास में कितना आया, 6 आया। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस जो कॉमन पार्ट है वो डालेंगे, क्योंकि अपने को कॉमन पार्ट दो दो बार नहीं चाहिए, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वो रिपीट हो रहा है दोनों में। तो 5 और 5, 10, 10 में से 4 में कितने बचा, 6 बचा, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन गया, एन ऑफ ए मतलब ए को उठा लो प्लस एन ऑफ बी, बी को उठा लो, उनमें जो चीज कॉमन आ रही है, भाई जो चीज कॉमन आ रही है वो ए में भी और बी में भी, मतलब वो दो बार आ रही है, और दो बार रिपीट अपन करते नहीं, तो क्या करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी को समझने का एक और तरीका है, यदि ए यूनियन बी निकालना चाहो, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में कितनी संख्या होगी, तो कहाँ आएगा सर, वेन आरेख पे आओ, ये रहा ए ये रहा बी, ठीक है जी। जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, समझना, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का पूरा हिस्सा दिख रहा है, जब मैं ए और बी का पूरा हिस्सा ले रहा हूं, ढंग से देखना, ए और बी का पूरा हिस्सा बना हुआ किससे है, ए और बी का पूरा हिस्सा जो है वो बना हुआ किससे है। सबसे पहले तो मैं ए का पार्ट लेता हूं, तो मैंने कहा यार ये ए का पार्ट ये पूरा आ रहा है, ये जो ए का पार्ट है वो क्या है मेरे पास में, ये रहा सर पूरा, देख पा रहे हैं आप लोग, मैं जो ए का पार्ट है उसको हरे कलर से बना रहा हूँ, हरे मांडे से बना रहा हूँ। मैंने कहा सर ये ए का पार्ट आ गया, फिर मैंने कहा अब यार बी का पार्ट, क्योंकि और ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी दोनों मिक्स बॉक्स को मिक्स करना पड़ेगा। मैंने कहा बॉक्स बी का पार्ट, बॉक्स बी कौन है सर, बॉक्स बी ये रहा। मैंने कहा बॉक्स बी का पार्ट सर, बॉक्स बी ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। तो मैंने कहा सर ये बॉक्स बी का पार्ट ये रहा। तो आप लोगों ने देखा यार ये जो कॉमन पार्ट है वो ए में भी आया, कॉमन पार्ट बी में भी आया, अभी अगर दो बार आएगा तो यह संख्या बढ़ जाएगी, और पूरे मुझे तो जो रेगुलर जो सच में संख्या है वो ही लेनी है। तो ये दो बार आने की वजह से संतुलन बनाने के लिए भैया कि यार एक बार आनी चाहिए, इस वजह से इसको अपन एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया जाता है। क्या क्या बना मेरे पास में, ए यूनियन बी मेरे पास में कैसा बना, एन ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास में कितना बना, एन ऑफ ए लिया, बॉक्स ए लिया, बॉक्स बी लिया, और दोनों में जो कॉमन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसको हटा लिया जाएगा। यदि मैं यहां से बोलूं कि मुझे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सिंपल सी बात, कितना आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी आएगा। मैंने कहा क्लियर है सर। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी, कौन बड़ा है, एन ऑफ ए यूनियन बी बड़ा है या फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बड़ा है। सबने कहा सर यूनियन बड़ा या बराबर हो सकता है, सुनिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है, यूनियन बड़ा या बराबर हो सकता है। कैसे सर, बराबर कब होगा, जब ए और बी खुद बराबर होंगे। सुनिएगा,
यदि ए और बी खुद बराबर होंगे तो उनका यूनियन और इनका इंटरसेक्शन कैसा होगा? बराबर होगा। मान लिया मेरे पास भी पांच आम है, आपके पास भी पांच आम है, पांच आम पांच आम दोनों जुड़े सेम आम थे, मेरे पास पांच आम है और दोनों का कॉमन भी किताब पांच आम है, मतलब सिंपल सी बात है सेम रहा। जब दोनों ए और बी बराबर रहेंगे तब तो ये बराबर आएगा, और यदि ए और बी बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात? असली तो अपन ने समझ लिया दो का। अब आओ तीन का देखते हैं, तीन में कुछ बन रहा है क्या मेरे पास में? तीन में क्या हो सकता है? तीन में क्या सोच सकता हूं? मैंने कहा आओ यार, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। सुनिएगा, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ये मान लिया आसपास में कुछ सेट ही दे रखा है आपको, ठीक है। तो मुझे यदि, सुनिएगा, यदि मुझे ए यूनियन बी निकालना है, मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो है ना एकता में शक्ति है, सिंपल सी बात है। सुन आप फॉर्मूला कैसे बनेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए का सारा हिस्सा और बी का सारा हिस्सा, समझ पा रहे हो? ए बॉक्स और बी बॉक्स मिला लीजिए। तो ए बॉक्स लिया सर मैंने, ये रहा ए बॉक्स, तो मिलाया, ये रहा सर पूरा, ये रहा मिल गया सर मेरे पास में, ए बॉक्स पूरा मिल गया। जब ए बॉक्स मिलाया तो मेरे पास में सर ये वाला सुन रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट पूरा आया। मैंने कहा सर ठीक है। जब मैंने कहा बी बॉक्स ले लो, तो पेन का पहले कलर चेंज कर लेता ताकि आपको देखने में आसानी रहे। जब मैंने कहा बी बॉक्स भी लेना है, ए यूनियन बी करना मतलब बी बॉक्स लेना है, तो बी बॉक्स के अंदर कौन आ रहा सर मेरे पास में? ये आ रहा पूरा, दिख रहा आपको? बी बॉक्स के अंदर मेरे पास में कौन आ रहा है? ये आ रहा है पूरा। ए के अंदर ये था, बी के अंदर पूरा ये है, ये भी आ रहा है साथ साथ में। पर तो मैंने कहा यार ए यूनियन बी क्या क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो ए यूनियन बी मेरे पास कितना हुआ? ए हुआ, एन ऑफ बी हुआ। अब सोचो कौन कौन सा पार्ट दो बार आ रहा है। सर ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो दिख रहा है ना बीच वाला, ये वाला पार्ट कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन हटा लिया सर अपन ने। फिर मैंने पूछा और कौन सा पार्ट दो बार आ रहा है? सर और कौन सा ऐसा पार्ट है जो दो बार आ रहा है? समझो एक बार ढंग से, कौन सा पार्ट है जो मेरे पास में दो बार आ रहा है? बताओ भाई ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेरे पास में दो बार आ रहा है? तो सर मेरे पास में एक यही तो पार्ट था जो कि दो बार आ रहा था। सर एक मेरे पास में यही तो पार्ट था जो कि दो बार आ रहा था। तो सर क्या करेंगे अब समझना। तो उसको मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा पास ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। पर ये वाला पार्ट अपने पास आंसर में आ रहा है। तो ये जो पार्ट होता है वो होता था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या होगा? गायब हो गया। और गायब हो गया अगर मिस्टर इंडिया हो गया, वापस लाने के लिए क्या करेंगे? इसको वापस ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा किया जाएगा। अब तुम्हें क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला बता देते हैं, आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। यदि एन ऑफ ए आई यूनियन बी आई दे रखा है, सर ए आई और बी आई क्या है? कोई भी दो घटनाएं हो सकती है, ए और बी कुछ भी हो सकता है। तो उसका आंसर क्या आएगा? चलिए बताते हैं। समेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, एन ऑफ ए माइनस समेशन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए आई और सॉरी बी आई, फिर प्लस समेशन एन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन आगे ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री, ऐसा चलता जाएगा। इसमें दो चीजें नहीं, इसमें ज्यादा चीजें होती है, दो ज्यादा चीजों के लिए होता है ये बेसिकली। इसको इस तरह से लिखा जाता है ए आई ए जे ए के, इस तरह से लिखा जाता है, या फिर इसको ए वन ए टू ए थ्री, इस तरह से लिखा जाता है। और ये इसी फॉर्म में आंसर लिखा जाता है, बट इस फॉर्म में आंसर रहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। वैसे समझाया जा सकता है इससे, बट चलो समझाने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली एडिशन थ्योरम होता है, बहुत लंबा सा थ्योरम होता है। उसमें क्या करते हैं, पहले एक एक चीज उठाई जाती है, तो समेशन ऑफ एन ऑफ ए आई आएगा। ए आई का मतलब क्या हुआ? आई बराबर वन से लेके आई बराबर एन तक, एन ए वन एन ए टू, दिख रहा है ये एन ए वन, इसको ए वन बोलो, इसको ए टू बोलो, एन ए वन एन ए टू, दो तक थे तो दो तक आया। फिर क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर आएगा समेशन आई बराबर वन से एन तक एन ऑफ ए ए आई इंटरसेक्शन ए जे। सर ये जो जे होता है वो क्या होता है? जो आई नहीं है वो जे है, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आई बराबर वन से एन तक होता है और जे बराबर टू से एन तक होता है। क्लियर है मेरी बात? टू से वो सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है।
क्योंकि वन का वन से इंटरसेक्शन तो लेंगे नहीं। तो आप देख पा रहे हो यदि मैं मेरे पास ए वन और ए टू है तो क्या रहेगा, ए वन और ए टू आ गया, क्योंकि ए थ्री है ही नहीं तो मेरे पास और कुछ लेंगे ही नहीं। उसके बाद में क्या था मेरे पास, तो उसके बाद में एन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे फिर इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, अगेन इसका समेशन आएगा I बराबर 1 से लेके n तक, फिर j से लेके n तक और k से लेके आगे तक। तो सर इसके अंदर मेरे पास में i j k तीन है क्या, सर इसके अंदर तो दिख नहीं रहा पर इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर तो मुझे तीन दिख रहे हैं, तो क्या लिख दिया मैंने a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से फॉर्मूला बन गया मेरा, क्लियर है। समझो जैसा a यूनियन b बना है क्या वैसा ही b यूनियन c भी बनेगा, मैंने कहा हाँ सर जैसा a यूनियन b बना है वैसा ही b यूनियन c भी बनेगा, जहां ए था वहां बी डालेगा, जहां बी था वहां पे क्या डालेगा सी डालेगा, जहां पे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी आएगा, प्लस क्या आएगा एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लास्ट वाला सेम रहेगा सर, लास्ट वाला सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या बनता है, क्या बोलते हैं इसको वेन आरिक के फॉर्म में, फॉर्मूले याद रखने आपको थोड़ा ढंग से याद रखिएगा। सर ये रहा मेरे पास में है ना, सर ये रहा मेरे पास में, ये लो भैया ये जो अपन लिख रहे हैं ना, ये अपन पीछे ये जो बेसिकली लिख पा रहे हैं इसको पढ़ते क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कम्स फिलहाल के लिए ए और बी का कम से कम एक फिलहाल है ना, ये बात करना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं ए बी और सी है और जब मैं एन ऑफ बी यूनियन सी करता हूँ, मतलब मुझे क्या लेना है बी बॉक्स लेना है और सी बॉक्स लेना है, तो जब मैंने बी बॉक्स लिया तो मेरे पास में क्या बन रहा है वो देखो एक बार, बी बॉक्स थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बी बॉक्स मेरे पास क्या है सर ये रहा बी बॉक्स, सर बी बॉक्स ये रहा मेरे पास में पूरा, देख पा रहे हैं आप लोग बी बॉक्स मेरे पास में ये आया पूरा, काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का हो गया, आँखों में चुभने वाला है आपके लिए भी। सर उसके बाद क्या करेंगे सी बॉक्स लेना है, तो सी बॉक्स कौन है सर सी बॉक्स पे चलते जाओ, सी बॉक्स ये रहा सर मेरे पास में, और जब मैंने सी बॉक्स लिया इस तरह से मेरे पास में, सर ऐसी कौन सी चीज़ें जो बार बार आई है, ये वाला जो पार्ट है वो मेरे पास में दो बार आया है, सॉरी बी बॉक्स में मेरे पास में ये जो पार्ट है मेरे पास में क्या आया दो बार आया सर, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, थोड़ा इसको ढंग से कर देता हूँ कलरफुल कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, सर ये वाला पार्ट मेरे पास में क्या आ रहा है दो बार आ रहा है ना, ये पार्ट दो बार आ रहा है, मैंने कहा इस दो पार्ट को हटा लो, जैसे मैंने दो वाले पार्ट को हटाया ये जो पार्टी थी ये पार्टी चली गई यहाँ से, जैसे ये पार्टी चली गई इस पार्टी का नाम क्या था, इस पार्टी का नाम भैया मैंने एन ऑफ बी यूनियन सी निकालना चाह, तो एन ऑफ बी लिया एन ऑफ सी लिया दोनों ले लिए, उसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा था क्या दो बार रिपीट हो रहा था ये बी इंटरसेक्शन सी, तो उसको हटाने की हमारी जिम्मेदारी थी, अब हटाते ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा कोई और काम भी हट जाए, तो मैंने कहा यार ये जो बी ये जो मेरे पास ये जो कॉमन पार्ट ये तो मैं हटाओ ये तो मुझे चाहिए, और ये मेरे पास पार्ट कितना आ रहा है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, इस तरह से मेरे पास क्लियर है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास में क्या हो गया ए यूनियन बी वगैरह हो गया, इनको बोलते हैं बी और सी में से कम एक, क्लियर है बी और सी में से कम एक, आगे प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ोगे, जब एन ऑफ ए यूनियन बी बोलेगा तो कम से कम एक दोनों में से, यदि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बोलता है तो इन तीनों में से कम एक होना, इसको बोलता है ये प्रोबेबिलिटी में आता है। तो जब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी लूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, आओ जानने की करते हैं कोशिश, थोड़ी रुचि बढ़ाते हैं अपनी इसके अंदर, चलिए यार देखते हैं क्या बनता है अपने पास में, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा टफ हो सकता है आज का लेक्चर बट कोई बात नहीं, दिमाग लगाएं और इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा है ना, देखते हैं सर, यार फॉर्मूला बनाने के लिए पहले कहाँ जाऊँगा, वेन डायग्राम पे जाऊँगा क्योंकि डायरेक्टली सर मेरे को नहीं आता है, पर एक बात फिक्स है अगर तीन ए यूनियन बी यूनियन सी इसका मतलब तीनों बॉक्स आएंगे, फर्स्ट बॉक्स लिख दिया सेकेंड बॉक्स लिख दिया एंड थर्ड बॉक्स लिख दिया, अब क्या क्या डबल बार रिपीट होने वाला है वो हटाने वाले हैं अपन, वन टू एंड थ्री। चलिए बच्चों ए बी और सी जब मैंने लिया तो पहले ए का क्या कर लेते हैं सर, ए को अलग लग लेते हैं, जब मैंने ए लिया तो ढंग से देखो ये ए रहा, ये रहा ए, ये रहा सर ए, ए के अंदर मेरे पास में ये पार्ट आ गया ऑलरेडी, अब मैं क्या कर रहा हूँ बी को ले रहा हूँ,
देखना अभी रिपीट कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ सर अभी तक रिपीट कुछ नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग अभी हुई सर। मैं बी ले रहा हूँ, अब बी के अंदर क्या रहा मेरे पास में सर, बी के अंदर ये थोड़ा सा अच्छा पेन लेना पड़ेगा सर। बी के अंदर अपने पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर, आप देख पा रहे हैं बी के अंदर जैसे मैंने ये लिया तो मेरे पास ये जो पार्ट है बीच वाला ये रिपीट हुआ एक बार, फिलहाल एक बार रिपीट हुआ है। अब मैं सी को ले रहा हूं, चलिए देखते सी को लेने में मेरे पास में क्या होता है। सी को लेने पर अपने क्या हो रहा है एक बार देखते हैं, ठीक है। सी को जब मैंने लिया तो मेरे पास में ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, इस पार्ट के अंदर भी जब मैंने ये सी को पार्ट लिया, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे आप लोग तो सी के अंदर भी मेरे पास ये वाला कुछ पार्ट ये वाला रिपीट हो रहा है ना। सुनिएगा बच्चों आप लोग, जब मैंने बी लिया था मेरे पास में ये आया था, सी जब मैंने लिया था मेरे पास में ये वाला पार्ट आ रहा है ना। तो सर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, क्या क्या रिपीट हो रहा है वो देखो। इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझना है, क्या क्या रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, समझना मेरी बात को। मैंने तीन बॉक्स लिए हैं, इस वेन डायग्राम से यदि आपको दिक्कत रहती है तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपने तीन बॉक्स लिए हैं और तीनों बॉक्स में आपने क्या कर दिया है सर, मटेरियल भर दिया है, मटेरियल भर दिया, उसके अंदर क्या किया, मान लिया जो कॉमन होंगे वो हटेंगे सर। हाँ सर, हट जाना है कॉमन वाले, माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाना है। फिर सर अपन क्या करेंगे, फिर एक सिंपल सा काम हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा इसको। आप यूज कीजिए दिमाग को और आपके पास में इजीली बन जाएगा सर ऐसा क्यों है। सिंपल सा आपको वेन डायग्राम को घूर घूर के देखना होता है, बहुत ढंग से सोचना होता है कि यार कैसा क्यों आ रहा है। जब आपने ए लिया था तो आपके पास में ये पूरा पार्ट आ गया था ना, ये पूरा पार्ट आ गया था, ये पूरा हिस्सा आ गया था, पूरा हिस्सा। अब ए पार्ट लेने के टाइम पे ए और सी का पार्ट कॉमन आ चुका था, आ गया क्या सर एक बार, और यहाँ पे भी मेरे पास ए और सी का कॉमन पार्ट आ गया है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, दो बार थोड़ी लूंगा, दैट इज वाई एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब मैंने ए और बी लिया तो मेरे पास में ए और बी का कॉमन पार्ट आ चुका था, अब दो बार थोड़ी लूंगा मैं, दैट इज वाई मैं सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब मैंने बी और सी लिया, ढंग से देखना है यहाँ पे यार, मैं बना देता हूँ ढंग से एक बार आपस से। जब मैंने बी और सी लिया, देखना ढंग से, जब मैंने बी और सी लिया तो बी लेने टाइम पे मेरे पास में क्या हुआ, ये देखो बी और सी का कॉमन पार्ट आया, और जब मैंने सी लिया तो सी के अंदर मेरे पास में बी और सी का कॉमन पार्ट आया, दो बार थोड़ी लेंगे, इस वजह से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में ये क्या हुआ, ये मेरे पास में तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या आएगा मेरे पास में, मुझे एक बार चलाना है तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ आएगा इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किस तरह से अपन ने चीज़ों को प्रूव किया है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूंगा एक अलग मेथड से। देर आर सेवरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसा कि आप मुझे बताएंगे वैसा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं कोई छोटी मोटी मिस्टेक है वो, अगर आपको सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, बाकी सब तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है, यदि एक्स और वाई ऐसे समुच्चय हैं कि एन ऑफ एक्स 17 है, लिख दिया भैया, एन ऑफ वाई दे रखा है 23, लिख दिया भाई, और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर दे रखा है 38। सोचो यदि बॉक्स ए में 17 है, बॉक्स बी में 23 है, कुल मिला के आंसर आना चाहिए था 40, जबकि यूनियन करने मिक्स करने में कितना मिला मुझे 38। इसका मतलब क्या चीज़ें कॉमन रहनी चाहिए सर, मेरे पास में दो चीज़ें कॉमन रहनी चाहिए, कॉमन सेंस से बता दिया। पर चलो फॉर्मूले से बताते हैं, फॉर्मूला बोलता है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई बराबर क्या होगा, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस टाइम दोनों का इंटरसेक्शन। ये कितना है मेरे पास में 38, ये कितना है मेरे पास में 17, ये मेरे पास कितना है 23 माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन वाई, ये 40 हुआ, ये 38 हुआ, माइनस दो बराबर क्या, माइनस ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई मेरे पास में कितना हुआ सर 2 रहा। मैंने कहा ठीक है यही रहेगा सही आंसर, कॉमन सेंस भी बताया था और अपन ने इससे भी कर लिया। दूसरा बोला हुआ यदि एक्स और वाई दो समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18 उपयोग है, तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना हुआ मेरे पास में 18, एक्स में 8 अवयव है तो एन ऑफ एक्स कितना हुआ 8 हुआ, वाई में कितना अवयव है मेरे पास में 15 हुआ। सोचो अगर बॉक्स ए और बॉक्स बॉक्स एक्स और बॉक्स वाई को मिलाऊंगा तो कुल मिला के अवयव 23 होने चाहिए थे, बट आ कितने रहे 18, इसका मतलब कितने सेम होने चाहिए, 5 सेम होने चाहिए, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आएगा 5 आएगा, कॉमन सेंस से कर लिया। अब आते बिना कॉमन सेंस के फॉर्मूले से, एक्स यूनियन वाई लगाएंगे कितना बने, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई,
वैल्यू रख दो यार, ये 18 आया, ये मेरे पास 8 है, ये 15 है, माइनस एन इंटरसेक्शन वाई, ये लिख दिया अपन ने, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सर ये 18 है, ये 23 है, ये मेरे पास में एक्स इंटरसेक्शन वाई है, तो मेरे पास सर ये कितना बनता दिख रहा है, ये मेरे पास माइनस का 5 है, ये मेरे पास माइनस टाइम्स एक्स इंटरसेक्शन वाई है, आंसर कितना आया 5, जो कि अपने कॉमन सेंस लॉजिक से भी देख लिया था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है सर ये बड़े आसान आसान चीज़ें हैं, ये जो अपन कर रहे हैं बेसिकली ये आपकी एप्लीकेशन है कि आपने ये वेन डायग्राम क्यों पढ़ा है, सेट्स क्यों पढ़ा है। चाहो तो इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो, चाहो तो किसी और से कर सकते हो, पर जब तक वेन डायग्राम का मतलब इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वेन डायग्राम की दिक्कत नहीं है, तब तक फालतू अपन नहीं करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, सुनिएगा, 250 हिंदी वाले और 200 इंग्लिश वाले। इसका मतलब क्या हुआ, कोई हिंदी वाला इंग्लिश भी बोल सकता है, कोई इंग्लिश वाला हिंदी भी बोल सकता है, और 400 व्यक्तियों का समूह है, मतलब दो लोग दो तरह की अपने पास बंदे दे रखे, हिंदी वाला है इंग्लिश वाला, तो हिंदी वाले को एच बोल लेते हैं, इंग्लिश वाले को ई बोल लेते हैं, तो एन ऑफ एच यूनियन ई, मतलब समूह है ना भैया, दोनों का मिक्स कर रखा कितना है 400 है, हिंदी वाले कितने मेरे पास में 250 है, इंग्लिश वाले मेरे पास में कितने हैं सर, मेरे पास में इंग्लिश वाले 200 है, यदि इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर दिया जाता तो 450 रहता, इसका मतलब क्या रहा, आंसर कितना है 400 आया, बनना चाहिए तो 450, इसका मतलब कितने लोग हैं जो सेम बोलते हैं, वो 50 लोग है, कॉमन सेंस से बताया। अब फॉर्मूले वाइज बताते हैं, फॉर्मूला वाइज बड़ा आसान है सर, कैसे, बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला वाइज, क्या लिख देंगे, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, क्योंकि जब बोलेगा कितने व्यक्ति हिंदी तथा इंग्लिश दोनों बोल सकते, तथा का मतलब क्या होता है एंड, इंग्लिश में आपको क्या रखना है एंड, और एंड का मतलब होता है एंड का एंड क्या होता है इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन निकालना है, ये आएगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई, जो इधर था मैंने उसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एच कितना है 250, ई कितना है 200, और कुल समूह कितने का है 400, आंसर कितना आया 50, सेम है सर, कॉमन सेंस भी बोलता है सर। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, यदि एस और टी से समुच्चय है कि एस में 21 अवयव है तो एन ऑफ एस कितना है 21, टी में 32 अवयव है, एन ऑफ टी कितना है मेरे पास में 32, और एस और टी में 11 अवयव कॉमन है, तो मैंने कहा एस इंटरसेक्शन टी कितने हैं मेरे पास में 11 अवयव है, ठीक है सर, क्या हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि अलग अलग होते तो 21 और 32 कितना होता मेरे पास में सर 53 होता, पर क्योंकि 11 समान है तो 11 समान रिपीट थोड़ी होंगे, इस वजह से क्या आंसर आएगा 42 आएगा कॉमन सेंस से, पर बोल रहा है एस यूनियन टी निकाल लो, मैंने कहा एन ऑफ एस यूनियन टी कितना आएगा, सुनिएगा, एस यूनियन टी में अवयव, अवयव क्या था, नंबर ऑफ चीजें होती है, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी आया, लिख दिया सर वैल्यू, रख दी कितनी है 21 है 32 है और 11 है, कितना है 53 माइनस 11 कितना हुआ 42, क्लियर है सर, लॉजिक से भी कर सकते हैं और बिना लॉजिक और क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं सर। पांचवी चीज क्या है, एक्स और वाई में दो समुच्चय दे रखे हैं, एक्स में 40 यूनियन में 60 और इंटरसेक्शन में 10, सुनिए ढंग से, एन ऑफ एक्स कितना है 40 है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना है 60 है, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10 है, पूछ रहा है एन ऑफ वाई कितना होगा, पहले लगाते हैं कॉमन सेंस सर, कॉमन सेंस लगाई मैंने, तो मैंने कहा यार ए ए एक्स को और वाई को मैंने क्या मिक्स किया, मिक्स करने में मेरे पास में 60 आया, इसमें से अकेला एक्स कितना है 40 है, कॉमन कितने हैं 10 है, तो सर वाई कितना है, सिंपल सी बात है भाई, बताओ ना वाई कितना है, सो वाई का मतलब 30 रहना चाहिए, क्यों सर, क्योंकि मैं अगर 40 और 30 करूंगा तो 70 बनेंगे, 70 में से अगर 10 कॉमन है तो हटेंगे तो 60 बनेगा, मैंने कहा हाँ बस वही तो लॉजिक है, फॉर्मूला लगाया, देखना अभी 30 बनता है नहीं बनता है, तो वाई में कितने हैं एक्स यूनियन वाई कितना आएगा, एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स यूनियन वाई कितना है सर 40 है, सॉरी 60 है, एक्स कितना है 40 है, एन ऑफ वाई पता नहीं है, इंटरसेक्शन कितना है माइनस का 10 लिखा है, मेरे पास कितना हुआ 30 प्लस एन ऑफ वाई बराबर 60 है, तो यहाँ से एन ऑफ वाई कितना है मेरे पास में 30 आया, समझ पा रहे आप मेरी बात को, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप क्या कर लेंगे यूनियन को और इंटरसेक्शन को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, 70 आया उसमें से एक्स को हटा लेंगे 30 बना, आंसर हो गया खत्म, समझ गए मेरी बात को आप,
अपने पास में, यहाँ कुछ देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं हो। तो इतने मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन रहे थे, तीन तीन वाले कुछ क्वेश्चन रहते हैं सर मेरे पास में कि यार तीनों कुछ अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ हिंदी बोल सकते हैं और कुछ पंजाबी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी करने की कोशिश करेंगे सर नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में कुछ जो आज वे नारे पढ़ाए थे उसी का एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से पढ़ेंगे। आज अपन ने जो पढ़ा था वो कम से कम एक वाला था, अगली क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जैक्टली वन वाला, ठीक है? एग्जैक्टली वन है ना, ठीक एक है ना, ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं अपन। देखते हैं अगली क्लास में क्या डिस्कस करने वाले, क्या नहीं करने वाले हैं। तो अभी अपन ने जो किया लगभग लगभग उससे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कुछ और प्रूव करने वाले क्वेश्चन रहेंगे जो साइड्स में बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको अलग से प्रूव करेंगे। और आई होप नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर तक आपका ये जो सेट्स है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए सेट्स में। यदि आपको कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या डाउट है, क्या डाउट नहीं है। डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी अगले ही लेक्चर से पहले पहले तक, ठीक है जी? और कोई यदि मैं कोई क्वेश्चन और लेना भी चाहूँ तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, यदि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बराबर बी। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का 11th क्लास में एक्सरसाइज या तो एक्सरसाइज का या फिर कोई एग्जांपल का क्वेश्चन है कि यदि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए बराबर बी प्रूव करना। समझिए ये यूनियन इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ सर, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं। और उन संक्रियाओं से मुझे यदि समुच्चय तक जाना है, सुनिए, यदि संक्रियाओं से मुझे समुच्चय तक जाना है तो मुझे कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर, लेट करनी पड़ेगी। तो मान लिया एक्स जो है वो बिलोंग्स टू ए है, सर ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। तो यदि एक्स जो है वो ए का अवयव है, यदि एक्स जो है वो आपका ए का अवयव है तो एक सिंपल सी बात बताओ बच्चों मुझे, ये रहा ए ये रहा बी, यदि कोई चीज ए का अवयव है तो क्या वो ए यूनियन बी का अवयव भी होगा? मैंने कहा हाँ होगा सर। यदि कोई चीज ए का अवयव है, एक के अंदर है, तो वो ए यूनियन बी का मतलब क्या इस पूरे के अंदर होगा? मैंने कहा हाँ होगा। यदि देखो यार यहाँ पे जो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सुनिएगा, जो ए इंटरसेक्शन बी में है वो क्या बी में होगा सर? श्योरली होगा। इसका मतलब एक्स किसमें हुआ सर, एक्स बी में भी हुआ सर, एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, मतलब ए बराबर बी है। समझे क्या, समझे क्या आप मेरी बात को, क्लियर है क्या मेरी बात आपको? सो आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए किस तरह से अपन देखेंगे। थोड़ा सा और इसका एडवांस फॉर्म देखा जाएगा। चलिए यदि एक्स ए में है और क्योंकि ए यूनियन बी, भैया क्योंकि यदि एक्स ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, और अपन देख रहे ए यूनियन बी यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन बी के बराबर दे रखा है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया, ए इंटरसेक्शन बी की जगह आ जाएगा। तो मैंने कहा ये जो चीज़ ए इंटरसेक्शन बी में है यहाँ पे वो किस में रहेगी सर, वो बी में भी है और वो ए में भी है, मतलब ऑलरेडी ए में तो दे ही रखा है और वो बी में भी है। और क्योंकि ये पार्ट जो बी में है, सिंपल सी बात सुनना, जो एन ऑफ बी में है वो डेफिनेटली एन ऑफ कुछ बता रहा था, हाँ जो बी में है वो डेफिनेटली ए यूनियन बी में भी होगा। मैंने कहा हाँ होगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक्स यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में भी होगा। तो मैंने कहा यहाँ से ए बराबर क्या बन गया, बी बन गया। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ऐसा क्यों रहा, एक बॉक्स ए है और दूसरा बॉक्स बी है। मैंने बोला दोनों बॉक्स का यूनियन, मतलब दोनों बॉक्स को मिला लेने पे भी बराबर, दोनों बॉक्स में मिला लेने पे जो आंसर आता है वही दोनों बॉक्स में कॉमन लेने पे आता है सर। ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो। तो क्या करेंगे ऐसी चीज़ों में, अपन क्या कर लेते हैं, जब ऑपरेशन से आपको कहाँ जाना हो, समुच्चय तक जाना हो, तो लेट कर लेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू समथिंग ए है। यदि एक्स ए में है तो आप सब समझ गए जो चीज़ ए में होती है वो ए यूनियन बी में भी होती है, ठीक है? जो चीज़ ए यूनियन बी में है वो आप समझ पा रहे हैं क्योंकि ए यूनियन बी बराबर है इंटरसेक्शन बी के, तो जहाँ पे ए यूनियन बी है वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो सर? कॉमन जो ए और बी में कॉमन है, यदि एक्स जो है वो ए और बी में कॉमन है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो बी में भी होगा, मतलब वो बी में भी है, वो ए में भी है, सुनिएगा, मतलब वो बी में भी है, वो ए में भी है, वो ए यूनियन बी में भी है और वो ए और बी के कॉमन में भी है, इसका मतलब ए बराबर बी रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको अपन प्रूव करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे अपन नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट लेक्चर तक आपकी सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद अपन शुरू करेंगे लेक्चर, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला अगला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।